वॉशरूम जाओ, वॉशरूम के पीछे पीछे आ जाना। जो बाथरूम जाते हैं पीछे? हाँ जी हाँ जी, वॉशरूम की शराब पी होती थी, पीछे आ जाना। तो आपने कभी कहा नहीं मेरे पीछे? मतलब कि मैं तो खुद अभी शिफ्ट हुई हूँ, मेरे हस्बैंड भी नहीं थे कल, तो बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे थे, इसलिए तो कल रिपोर्ट लिखाने के लिए गए हुए थे। पूरा दिन मतलब बुड्ढा ठीक रहता है, उसके बाद जैसे ही शाम होती सर पी के जुनानियों को जैसे इसके साथ बदतमीजी से जो की है। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूँ महेंद्रजीत सिंह। इस समय पुलिस पोस्ट नरवाल के बाहर मौजूद है और ये महिला जो है गंभीर आरोप लगा रही है। इन्हीं से जानेंगे क्या कुछ पूरा ये मामला है। क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा जी क्या हुआ? सर एक्चुअली क्या है, मेरे हस्बैंड को बिना गलती के अंदर कर दिया हुआ है जी। आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ वो जो अंकल है ना, वो बदतमीजी कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे, मतलब कि रूम में थे, पर्दा शर्दा हटा के बाथरूम वगैरह में, मतलब बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे थे। छेड़खानी कर रहे थे? हाँ मतलब छेड़खानी कर रहे थे, पी के शराब पी हुई थी उन्होंने, अच्छी खासी छेड़खानी कर रहे थे। तो फिर आपने इसकी कंप्लेंट नहीं करवाई? कंप्लेंट करवाई है सर, छन्नी वाले मतलब कंप्लेंट करवाई है, SHO सर के पास है रिपोर्ट, ये वहाँ पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो फिर आपके पति को अंदर क्यों दिया? यही समझ नहीं आ रहा है सर, क्यों अंदर किया है सर, वहाँ पे बता भी नहीं रहे, ऊपर से वहाँ के जो पुलिस है ना, मेरे से बदतमीजी से बात कर रहे हैं। क्या ये मामला हुआ, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आरती है। सर मैं इनकी सिस्टर हूँ। तो सर मैं पास में ही रहती हूँ कि जैसे मतलब पूरा दिन मतलब बुड्ढा ठीक रहता है, उसके बाद जैसे ही शाम होती सर पी के जुनानियों को जैसे इसके साथ बदतमीजी से जो की है, चाहे कभी शराब पी के गाली गलौज करना, बहन को गाली निकालना, माँ को। तो सर हमने कल पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी कराई थी, कंप्लेन कराई सर, जिसकी वजह से यहाँ पे अभी उस लड़के को अंदर किया गया हुआ। सर इनकी यही है, हमारी यही है कि कार्रवाई सुनी जाए, जो उसकी केस जो भी कोई कंप्लेन कराता है सब मतलब उनकी साइड है, हमारी साइड एक्शन क्यों नहीं ले रही है, बस हमको ये पता करना है। उन्होंने कंप्लेन कब करवाई? सर उन्होंने करवाई थी आज से 3-4 दिन पहले करवाई थी। आपने आज करवाई? सर हमने कल शाम को भी करवाई थी और हम लोग 3 दिन पहले भी करवाई। उसने कैसे करवाई? सर पहले उन्होंने यही करवाई थी, गाली गलौज कर रहा था, तो हमने खाली समझाया उनको कि गाली, सर हमारी भी उसमें बीच में रिपोर्ट, हाँ जी मेरे हस्बैंड की भी बीच में खिलाफ उन्होंने रिपोर्ट लिखाई थी, जिसकी वजह से छन्नी थाने वाले SHO सर ने भेजा था जिप्सी, तो सबको वहाँ के हमारे मोहल्ले वाले उठा के ले गए, उनको 2-4 बंदे थे। वो अकेला या पत्नी के साथ रहता, परिवार के साथ रहता? सर अकेला रहता वो। अकेला रहता? हाँ जी। शराब पी के किस तरह की हरकतें करता? सर शराब पी के जैसे कमरा खुला होता सर, खोल के पर्दा अंदर चला जाता है, उसके बाद गाली गलौज करता है सर, गाली गलौज, उसके बाद टक्करे मारता है अपने आप खुद, बाद में थाने में जाके कहता है मेरे को इन्होंने मारा है। तो सर अभी हमने वही रिपोर्ट कल लिखवाने के लिए चले गए थे, आज वो नरवाल जो भी है यहाँ पे थाना है सर, वो हमारे उनको अंदर कर दिया, इनके हस्बैंड को। तो सर आगे कार्रवाई करनी है तो क्यों अंदर किया जाए, जब उनकी कार्रवाई सुनी जाती है, हमारी क्यों नहीं सुनते हैं? आपके साथ छेड़खानी करता था? हाँ जी भैया, छेड़खानी करता था वो। क्या क्या करता? मतलब कि जैसे खाना वगैरह बना रहे हो, रूम मतलब पर्दा खोल लेना, वॉशरूम जाओ, वॉशरूम के पीछे पीछे आ जाना। जो बाथरूम जाते हैं पीछे? हाँ जी हाँ जी, वॉशरूम की शराब पी होती थी, पीछे आ जाना। तो आपने कभी कहा नहीं मेरे पीछे? मतलब कि मैं तो खुद अभी शिफ्ट हुई हूँ, मेरे हस्बैंड भी नहीं थे कल, तो बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहे थे, इसलिए तो कल रिपोर्ट लिखाने के लिए गए हुए थे, और उन्होंने डायरेक्ट नरवाल वाले यहाँ पे भेज दिया। अब यहाँ पे कुछ मतलब बता नहीं रहे क्या है क्या नहीं, उनको डायरेक्ट अंदर कर दिया मेरे हस्बैंड को। क्या नाम है आपका और हस्बैंड का? मेरा नाम पूजा है, मतलब हस्बैंड का नाम रंजीत है। पहले भी कभी ऐसा मामला है, पहली बार है? ये तो हमारे साथ पहली बार है, ये हमारे साथ जो है हम उनके साथ रह रहे हैं, तो ये पहली बार है। तो पुलिस को बताया आपने कि मैं जब बाथरूम जाती हूँ मेरे पीछे पीछे बात ही नहीं सुन रहे? पुलिस वाले खुद बदतमीजी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं तू इधर से जा, तू अंदर नहीं आ सकती, तू मुझसे बात नहीं कर सकती, वो तो खुद ऐसा बोल रहे हैं। उन्होंने किन कारणों से ही किया? मैंने उनको बोला आगे कार्रवाई क्या की, हस्बैंड को अंदर किया, तो मुझे डायरेक्ट बोला कि उनको डायरेक्ट अंदर कर दे, कह रहे 2-3 घंटे के बाद छोड़ देंगे, 2-3 घंटे के बाद छोड़ देंगे, आधा घंटा बोला था, आधा घंटा से मेरे को 1.5 घंटा हो गया बैठे हुए जी। देख सकते हैं एक हैरान कर देने वाला मामला जो है, इस समय नरवाल पुलिस पोस्ट के बाहर से आया, ये महिला जो है गंभीर आरोप लगा रही है और इनके पति को फिलहाल पुलिस ने जो है अंदर बिठाया हुआ, किन कारणों से जांच का विषय है। पुलिस से भी अपील रहेगी कि इस मामले की जांच जो है संजीदगी से करें। जी जी, कुछ नहीं बता रहे? कुछ भी नहीं बता रहे हैं सर, कुछ भी नहीं, किस कारण से किया, क्यों 2-3 घंटे रखना है, क्या है, कुछ भी नहीं बता रहे हैं वो। अभी तक कुछ नहीं बताया? अभी तक सर कुछ नहीं बताया, सुबह का 9 बजे से आया हुआ है, अभी 1 बजने वाला है। यहाँ लाया कब था? सर सुबह का 9 बजे से आया बंदा, वो 9:30 बजे का आया था, अभी सर 1 बज गया होगा। तो सर आगे तो कुछ प्रोसेस होनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं। उन्होंने पुलिस को बताया कि हमारे साथ ऐसा करता है शराब पी के, तो पुलिस ने? तो सर जो थन्नी थाने वाले हैं उन्होंने तो सुनो अच्छी की है सुनवाई, उन्होंने सीधे यहाँ पे भेजा है, तो यहाँ पे लेके आया। अब ये कह रही है कि मेरे को बात नहीं सुना उन्होंने, मैं जैसे ही मेरे को पता चला तो मैं अभी आई हूँ इनके साथ। तो वैसे हमारे मोहल्ले में ही रहते हैं, मोहल्ले में सर कहीं भी किसी को पूछ लो वो ठीक नहीं है, सबको पता है उनकी गवाही, इसके आगे पीछे कोई है नहीं सर। हमारे मकान मालिक को भी यहाँ तक उन्होंने ताला मार दिया हुआ है, कमरा शमरा सब ताला मार दिया, चाबी मकान मालिक के पास है,
तो सर अगर भी गवाही भी चाहिए तो हमारा पूरा मोहल्ला खड़ा हुआ है उसके साथ। सर ये पूछो कि उसके साथ कौन खड़ा हुआ, एक भी अगर उसकी गवाही हो ना तो हम मतलब ठीक है कि भाई सच कह रहा है, हमारे तो पूरा मोहल्ला गवाही है सर इस बात की। चलिए हम भी कोशिश करेंगे अंदर पता करने की क्या कुछ ये पूरा मामला है। फिलहाल देखते रहे जेके चैनल, मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त, नमस्कार। जिस तरह से महिला द्वारा भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरे पक्ष द्वारा भी एक एप्लीकेशन जो है वो दी गई है, उसके चलते SDPO नरवाल ने दोनों पक्षों को जो है वो यहाँ पे बुलाया है ताकि बातचीत यहाँ पे की जा सके और क्या कुछ ये पूरा मामला है इसकी जाँच जो है वो की जा सके। फिलहाल जल्द जब यहाँ से कोई अपडेट आती है तो आप तक ज़रूर साझी करेंगे। फिलहाल देखते रहें जेके चैनल, मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।